उन्हां लोकां दी मंजिल दा राह सिद्धा वल जिन्हां नूं आया शहीदियां दा ਉਹ ਹੈ ਕੌਮ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਟ ਨਿਉਂ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੌਣਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ एक गिट होर उची हो गई। समय ने भी एक पल वास्ते रुक के इन्हां शहीदां दीआं शहादतां नूं अपने सुनहरी पन्नियां ते उल्लिखिया। असीं जदों भी सिख इतिहास ते पन्ने फरोलीए तां सानूं हर एक पेज ते किसे ना किसे सिख शहीद दा मुस्कराउंदा होया चेहरा नज़र आउंदा है। इन्हां अणगिणत शहीदां विचों शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दीआं बीबियां दे ढाडी जथे नूं साध संगत की भेटा करन दा माण प्राप्त है। सो पेश है गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत। Thank you.
अर्जन देव जी दा कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई तां उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर घर लभण लई एक पांधे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे इउं दसदा है। चंदू दा हुक्म मन के दोवें पांधा ते नाई पूरे हिंदुस्तान विच घूमदे फिरदे रहे, पर किते भी उन्हां नूं चंदू दी धी वास्ते कोई चंगा वर्कर ना लभिया। अखीर घूमदे फिरदे श्री अमृतसर पहुँच गए, जिथे गुरु अर्जन देव जी महाराज सिंघासन ते सुभायमान सन।
ते गुरु साहब दे खब्बे पासे उन्हां दे होनहार सपुत्र साहिबजादा हरगोबिंद साहिब सुशोभित सन। दोवां लागियां ने गुरु जी नाल साहिबजादा हरगोबिंद साहिब ते चंदू दी धी दे रिश्ते दी गल पक्की कर ली ते चंदू तो प्रवानगी लैण वास्ते दिल्ली वल नूं रवाना हो गए। दिल्ली पहुँच के उन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज ते अमृतसर की तारीफ जिस तरह की उन्होंने बोलों नूं अकाल अकैडमी बड़ो साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जथा हे इउं दसदा है। Oh,
गुरु जी की तारीफ की गल सुन के चंदू दीवान खुश होने की बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुने बहरोल कचोला दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कह लगा ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कह लगा भावें तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा जाओ जाके सगन पा आओ। ये सारिया गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता। गुर की निंदा सुने ना कान कानों घूर के पिछा हटाउंदा ऐ जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा हंजू वेख के कास तो हसदा ऐ जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा कानों दुख दे दिलां नू दुखाउंदा ऐ जे तू जख्मां ते मलम नहीं लौन जोगा कानों बंदिया कूड़ विहासदा ऐ जे तू नेकियां नहीं कमाउण जोगा। दिल्ली दियां सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे
ਸਾਧਾ ਤੇ ਨਾਈ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਗਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਂਧਾ ਤੇ ਨਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਬੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ
बादशाह जहांगीर तां पहला ही इस मौके दी उड़ीक विच सी कि कदों गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद करवाया जावे, क्योंकि वह उस वक्त हो रही गुरु घर की महिमा नूं वेख के जर नहीं सी सकदा। वह आप अपनी कलम नाल तोज के जहांगीरी विच लिखदा है कि दरिया ब्यासा दे नेड़े गोइंदवाल विच अर्जन देव नाम का एक फकीर रहिंदा सी। उस कोल बड़ी दूर दूर तो हिंदू अते भोले भाले मुसलमान आउंदे सन। उसने अपनी बजुर्गी का बड़ा ढोल वजाया होया सी ते तिन्ना चौहां पीढ़ियां तो उसकी झूठ की दुकान बड़ी गर्म सी। वह गुरगद्दी नूं दुकाने बातल यानी झूठ की दुकान लिखता है। कहिंदा है कि मेरे दिल विच यह विचार सी कि जां तां इस झूठ की दुकान नूं बंद कर दिता जावे ते जां फिर इस्लाम धर्म विच लै आंदा जावे। वह किसी ठीक मौके की उड़ीक विच सी कि उधरों खुसरो वाली घटना वापर गई। खुसरो जो कि बादशाह जहांगीर का पुत्र सी ते जहांगीर तो बागी हो चुकिया सी अते दूसरा चंदू दीवान ते गुरु साहब के वड्डे भरा पृथ्वी चंद ने बलदी उत्ते होर तेल पा दिता। बादशाह जहांगीर ने मुर्तजा खान नूं हुक्म दिता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गिरफ्तार कर लिया जावे। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कैदी की हालत विच बादशाह जहांगीर के सामने पेश किया तो जहांगीर ने बड़े रोब नाल कहा, गुरु साहब तुसी जानते हो कि मुगल बादशाह के विरुद्ध जरा जिन्ना भी हाथ हिलाउण दा की सिट्टा निकलता है। तुसा खुसरो नूं राज तिलक दिता है, बादशाही की असीस दिती है, 5000 नगद दिता है अते उसनूं लंगर छकाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, बादशाह जहांगीर गुरु का लंगर सब लई सांझा है। इत्थे भावें कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, जैनी आवे, बोधी आवे, जोगी आवे, सन्यासी आवे, ऊच आवे, नीच आवे, धर्मी आवे, काफर आवे, पंडित आवे, चमार आवे, राजा आवे, कंगाल आवे, सिख आवे, सिख दा वैरी आवे, सब नूं लंगर मिलदा है ते मिलदा रहेगा। तेरा पिता जलालुद्दीन अकबर भी तो इसे ही लंगर विच बैठ के प्रशादा छक के गया सी। जे अज तेरे पुत्र ने छक लिया तो केड़ा हनेर आ गया। बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहब तुसी अपने किते जुल्मां ते इकबाल करदे हो, इस करके तुहानू 2,00,000 रुपए जुर्माना किया जाता है। हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर ये माया सारी गरीबां दी है ते जुर्माना एक कौड़ी भी नहीं दिता जा सकता। तां बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहब मैनू पता लग्या है कि तुसां एक ग्रंथ लिखिया है, तुहाडे बचन दा इको एक तरीका है कि तुसी उस विच हज़रत मुहम्मद साहिब ते इस्लाम दी तारीफ दे कुछ लफ्ज़ पा दिओ तां तुहाडा गुनाह माफ़ कर दिता जाएगा, जे नहीं तां मरन वास्ते तैयार हो जाओ। तां हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर ये ग्रंथ इलाही हुक्म विच लिखिया गया सी ते संपूर्ण हो चुकिया है, हुण इस विचों ना कोई अक्खर कढ़िया जा सकता है ते ना ही पाया जा सकता है। हाँ, जिथों तक मौत दा सवाल है सानू परवान है। जदों गुरु साहिब ने मौत परवान कर ली तो बादशाह जहांगीर ने यासा व यासा की सज़ा का हुक्म दे दिता, जिस तो भाव है कि शरीर नूं इन्ना कष्ट दिता जावे कि शरीर खत्म हो जावे पर शरीर विचों एक तुबका भी खून का बाहर ना निकले। बादशाह जहांगीर ने यह ड्यूटी चंदू दीवान नूं दे दिती। चंदू दीवान की ड्यूटी लगाए जाने विच भी बादशाह जहांगीर की एक चाल सी। वह चाहता सी कि गुरु साहब नूं किसी हिंदू कोलों शहीद करवाया जावे ताकि वह खुद हिंदू प्रजा विच बदनाम ना होवे। उधरों चंदू दीवान ने भी कड़ी घट की, उसने गुरु साहब नूं कई दिन जेठ दियां धुप्पां विच खड़े रखिया, ना कोई रोटी दित्ती ना पानी। फिर एक उबलदी देग उबाल के गुरु साहब नूं उस विच बिठाया गया आते फिर एक लोहे की तवी गर्म करके गुरु साहब नूं उस ते बिठा के सीस उत्ते तत्ता तत्ता रेता पाया गया। जिस तरह चंदू दीवान गुरु साहब नूं बदल बदल के तसीहे दे रहा है, उस दर्दनाक दृश्य नूं आपदी सेवा विच इस तरह बयान किया जा रहा है।
जेठ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखां ने कई पतंगियां नू उंज तां लाटां ते सड़दियां देखिया है, मैं कई वेर चुप कीते गुंचियां नू देगां विच वी कढ़दियां देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजियां नू मैं कलमा यार दा पढ़दियां देखिया है, पर मैं की दसां अर्जन देव ताईं किदां अग उत्ते सड़दियां देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहण वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ना देख, ता इस सुन के साई मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता ओ तन भर दिता सारा शालिया ने, जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिसम ढलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाया ही रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेंती कीती, महाराज मेरे कोलों तसीहे जरे नहीं जांदे, मैनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दियांगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साईं जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नू असी वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साडे दो निशाने सन, असी इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कहन लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनिया है सन दो नीहा, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी। जदा सुने आके
पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नू इन्ने तसीहे दिते गए, पर फिर भी गुरु महाराज दे चेहरे ते शांति ते मन विच टिकाओ सी। इस सब कुछ देख के चंदू दीवान हैरान रह गया। उसने जाके जदों बादशाह जहांगीर नू दस्या तां जहांगीर ने सोचिया कि ओ केड़ा तसीहा अपनाया जावे जिस नाल के गुरु साहिब नू इस तों भी ज्यादा कष्ट पहुंचे। तां उस दे दिमाग विच एक तरकीब सुझी कि कहा जांदा है कि जदों किसे जले हुए व्यक्ति उत्ते पानी पाया जावे तां उस वक्त इंसान नू जो दर्द हुंदा है उस तों सहारिया नहीं जांदा। उसने सोचिया कि गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शरीर तां पहला ही छाले छाले होया पिया है, क्यों ना इस उत्ते ठंडा ठंडा पानी पाया जावे। जदों छाले फटणगे ते जो गुरु महाराज नू तकलीफ होएगी वह मैं अपनिया अखां नाल देखांगा। एक कूड़ विचार सोच के बादशाह जहांगीर ने अपने कुछ मुगल सिपाही भेज के गुरु अर्जन देव जी महाराज नू रावी दी भेटा कर दिता। 3 मई 1606 ईस्वी नू गुरु अर्जन देव जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी लासानी शहादत दे के एक गुरमत गाड़ी राह बना दिता जिस उत्ते आज तक शहीद चलते आ रहे हैं। सिंगा ते की नहीं बीती, सिंगा नू तत्ती तवी ते बिठा दिता गया। आरे नाल दो फड़ करता उबल दियां देगां च उबाल दिते गए, रोई विच लपेट के सार दिते, जंडा नाल पुठे लटका दिते, पट्टियां विच चोक दिते गए, फांसी ते तख्ते ते झूल गए। इत्थे ही बस नहीं, सिंगा ने रेलां दियां पटरियां अगे लम्मे पै पै के अपनिया जाना कुर्बान कर दितियां, पर सानू की बख्श गए सरदारियां।